हेलो फ्रेंड, मेडिकल ट्यूबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बोटैनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम किसके संलयन से होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, NXX एग एंड वाई स्पॉम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्पीशीज प्लांटेरियम किसने लिखी तथा पादपों का वर्गीकरण का आधार किसने दिया? तो इसका आंसर है कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न ग्राफ में पूर्व चर घातांकी वृद्धि समीकरण का कौन सा व्यंजक वक्र 1 से वक्र 2 में अधिक वृद्धि करना चाहिए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, इंक्रीज या बढ़ेगा। इसका आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, सही कथन चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया व हरित ऊर्जा का स्थानांतरण कहते हैं। सेकंड है, माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, यह अधिकांश कोशिकीय एटीपी बनाता है। राइट, माइटोकांड्रिया व हरित लवक सभी एकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया अवायवीय श्वसन का स्थल है। और पांचवा है, माइटोकांड्रिया में मैट्रिक्स एकल डीएनए, कई आरएनए अणु, एटीएस राइबोसोम होते हैं। तो जो इसका आंसर है फ्रेंड्स, आंसर है फर्स्ट और सेकंड राइट हैं, इसके अलावा बाकी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो इसका आंसर है एलेक जेफ्री, आंसर नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसी पौधे के एल्यूरॉन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी जिसके जड़ों के सिरों में 42 गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर है 63। क्वेश्चन नंबर सेवन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट HGP जीव विज्ञान में नए क्षेत्र के तीव्र विकास से संबंधित है, कहलाता है जैव सूचनिकी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर एट, उच्च विलेय सांद्रता के प्रति गति करने वाले जल की प्रवृत्ति किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है विसरण या डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर नाइन, साइनेप्सिस ऑकर्स बिटवीन, आंसर है टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर टेन, दो केंद्रक विभाजन अर्धसूत्री व अर्धसूत्री के दौरान होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या और संतति में आनुवंशिक विचलन होते हैं। कौन सी घटना अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज वन के दौरान नहीं होती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, तंतु का अलग होना, जो तर्कु तंतु होता है उसका अलग होना, आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर इलेवन, 1972 में प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर है सिंगर व निकोलन्स। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, एक पादप की प्रजाति की प्रत्येक कोशिकाओं में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 14 है। पॉलीप प्लॉइड्स की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या होगी, आंसर है 28। क्वेश्चन नंबर 13, आपको 13 अर्धसूत्री विभाजन दिए गए हैं, इन विभाजन को कितने बीज बन सकते हैं, परागकण नष्ट होंगे, कितने परागकण नष्ट होंगे? तो इसका आंसर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ सीड्स 10, नंबर ऑफ वेस्ट पोलन ग्रेन्स 2, बीज की संख्या 10 और अवशिष्ट कणों की संख्या
दो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न बिंदुओं से एक श्वसन बीजों में जल नहीं होता है एवं शुष्क रहते हैं। दूसरा है परिपक्व मक्का पादप एक दिन में 3 लीटर जल अवशोषित करता है। तीसरा है 5 घंटे में सरसों का पौधा इसके भार के बराबर जल अवशोषित करता है। और चौथा है जल पादप वृद्धि तथा कृषि के प्राकृतिक वातावरण उत्पादकता के लिए सीमाकारी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, 2, 3 और 4 नंबर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न बिंदुओं से डाइक्ली पुष्प की एक लिंगिता। सेकेंड है डाइकोगेमी पोंड्री या प्रोटोगाइनी, और थर्ड है स्वबंधता व स्व अपूर्णता, और चौथा है हेस्टेरोस्टाइली, और पांचवा है हर्कोगेमी द्विलिंग सजात पुष्प के पुमंक वर्तिग्राग के मध्य बाधा उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है। तो इसका आंसर है ऑटोगेमी। क्वेश्चन नंबर 16, क्लिस्टागेमस पुष्प परागकर्ता की अनुपस्थिति में बीज बनाता है क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि ये ऑटोगेमस होते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है वह है द वेस्ट, आंसर नंबर फर्स्ट सही नहीं है। अधिकांश बड़े उत्परिवर्तन एलील उत्पन्न करने हैं जो प्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथन फिलीफॉर्म के उपकरण के लिए गलत है? तो इसका आंसर है प्राग नली फिलीफॉर्म उपकरण के निर्माण में प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन स्त्रावी उत्पाद का सही अनुक्रम या पथ है? तो इसका आंसर है ER, अर्थात अंत प्रद्रव्यी जालिका, फिर पुटिका, गॉल्जी काय का सीस क्षेत्र, गॉल्जी काय का ट्रांस क्षेत्र, पुटिका और प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी प्रक्रिया पोषण संरक्षण में सहायक है? तैसे है मिनरलाइजेशंस, अर्थात खनिजी भवन। क्वेश्चन नंबर 21, ICBN है, ICBN है वह है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेन कल्चर। क्वेश्चन नंबर 22, रेशम के कीड़ों के पालन के लिए किस पौधे की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सागवान। अनुलेखन की प्रक्रिया किसके द्वारा समाप्त होती है? तो यह प्रोटीन, RHO प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 24, वर्गक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह एनी एनी रैंक ऑफ टॉक्सोनॉमिक हेयरेज, वर्गीकी वंशागति की किसी भी श्रेणी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फिटनेस अनुकूल क्षमता का ही परिणाम होता है और प्रकृति द्वारा चयनित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य मानव नर व डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नर के लिए कैरियोटाइप्स की तुलना करने पर दर्शाता है। इसका आंसर है एक अतिरिक्त गुणसूत्र, आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27, गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष के निर्माण के दौरान समसूत्री विभाजन होता है या समसूत्री विभाजन है तो इसे मुक्त केंद्रिकी या स्ट्राइकली फ्री न्यूक्लियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, समसूत्री विभाजन के दौरान ईआर और केंद्रक अदृश्य होना प्रारंभ कर देती है, इसका आंसर अर्ली प्रोफेस, पूर्व पूर्वावस्था में। क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए अनुक्रम में कुछ विशेष क्षेत्रों में पहचाने गए अंतरों में होने वाले डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती हैं, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डीएनए पुनरावृत्ति अर्थात रिपीटेटिव डीएनए। क्वेश्चन नंबर 30, जब द्रव में विभिन्न प्रकार के अणु दाब विभव के संदर्भ में परस्पर गति करते हैं तब यह कहलाता है, तो इसे अधिक प्रवाह या बुल्क फ्लो कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे जो बोटेनी के 30 क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, अब जूलॉजी के 30 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जूलॉजी का जो पहला क्वेश्चंस है, कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय रस और बाइकार्बोनेट्स के उत्पादन को उत्तेजित करता है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स कोलेन स्टोकाइनी और सेक्रेटिन। क्वेश्चन नंबर 2, कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका के बीच एक अंतर यह है कि कैंसर की कोशिकाओं को विनियमित तरीके से विभाजित करना जारी रखती है और भले ही वह कसकर संकुल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के सबसे पहले प्रकाश संश्लेषक जीव थे तो इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाल्व जो रक्त को वेंट्रिकल्स से धमनी में बहने की अनुमति देते हैं और विपरीत दिशा में नहीं देते हैं तो उसे कहते हैं अर्धचंद्राकार पतिकार या सेमी लूनर वाल्व। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोवेल्स जॉइंट्स प्रेजेंट्स एटलस एवं एक्सिस के बीच गतिशील जोड़ का प्रकार क्या है, तो इसे कहते हैं धुराग्र संधि पिवोट। क्वेश्चन नंबर 6, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के माता और पिता क्रम से ए और बी रक्त समूह हैं, माँ और पिता दोनों को जीनोटाइप्स क्या होगा, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्रम से ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता दोनों हेटरोजाइगस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडाशय के निकटतम फलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है, तो उसे कहते हैं इन फंडिबुलम या कीपक। क्वेश्चन नंबर 8, प्यूपिल का आकार नियंत्रित होता है, तो ये होते आयरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क के गठन के लिए कौन सी जर्मिनल परत जिम्मेवार है, तो बृहत वाचा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में प्लाज्मिड की पहचान करें, तो इसका आंसर है PBR322। क्वेश्चन नंबर 11, जानवरों के निम्नलिखित जोड़े में से किसकी गैर ग्रंथि त्वचा है, तो इसका आंसर है गिरगिट और कछुए की अर्थात कैमेलियन एंड टर्टल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से एक सेट एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी और पिनियल आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा संग्रह एक टैक्सोनॉमिक समूह से संबंधित है, तो आंसर है बंदर, चिंपांजी और मैन आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से जो गलत है वो है
फेसियोला एक कूट गृहिक जानवर है, यह एक गलत है, इसके अलावा सब सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बढ़ते विघटन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एकाग्रता में वृद्धि बताया जाता है, तो इसका आंसर है बोहर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 16, गलत मिलान की जोड़ी का चयन करें, तो इसका आंसर है साइट्स कन्वेंशंस इंटरनेशनल ट्रेड व इलिट स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 17, सही मिलान की जोड़ी का चयन करें, तो इसका जो आंसर है तार केंद्र झिल्ली के बिना, यह सही आंसर है, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, अंडों में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडी टाटा और जोनोपेलू सीडा में प्रवेश करना होता है, इस कार्य में मदद करता है तो शुक्राणु द्वारा स्रावित जोना लाइसिन, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन्स के बांध होने रजोधर्म का तत्काल कारण बनता है, इसका आंसर है प्रोजेस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोन जो केवल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पादित होते हैं तो वह है मानव प्लेसेंटल लैक्टोजल एंड मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफी थायरोक्सिन्स, सॉरी रिलैक्सिंस, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स कहाँ पर अवशोषित होते हैं, तो यह समीवस्थ सावलित नलिका, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, फेफड़ों के श्वसनी में ए उपकला मौजूद है, बी उपकला अग्नाशय नलिका मौजूद है और सी एपिथेलियम पित्त नलिका में मौजूद है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर फोर, आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर, सल्की घनाकार और स्तंभकार। क्वेश्चन नंबर 23, स्तनधारी में कार्प सल्यूटम का मुख्य कार्य किस चीज़ का उत्पादन करना है, तो इसका आंसर है प्रोजेस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मैट्रिक्स है, तो इसे एगारोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड 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 डब्ल्यू प्रकार के लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, तो इसका आंसर है पीकॉक अर्थात मोर में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, लिस्ट 2 और लिस्ट 1 थ्योरी और वैज्ञानिक के साथ मिलान और सूचित दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए का 4, बी का 1 और सी का 2, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है 1/3 सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है, तो इसमें से आ जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, प्लाज्मिड, तो जो प्लाज्मिड है वह है स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, तो यह 1859 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, मेगा कार्योसाइट्स हैं, तो यह होते हैं अस्थि मज्जा में कोशिकाएं जो थ्रोम्बोसाइट्स को जन्म देती है, उसे मेगा कार्योसाइट्स कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा आज यही बोटनी और जूलॉजी का क्वेश्चंस तैयार होते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।